हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनली डॉकर के बारे में, कि डॉकर का टर्मिनोलॉजी क्या है, डॉकर क्या है, इसके बारे में थोड़ा और डीपली थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डॉकर नाम बोलते ही दो चीजें दिमाग में आती है, एक तो है डॉकर कंपनी और दूसरा डॉकर टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं कि डॉकर कंपनी है क्या। तो जहां पे भी ये लिखा हो डॉकर हाइफन INC, इसका मतलब कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल। और ये जो कंपनी है वो फाउंड की गई थी दो बंदों के द्वारा। ठीक है, जो कि मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जगह का नाम है, और यहाँ पे दो बंदों का मैंने अभी बताया था जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। एक तो डेवलपर थे, ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो उस पर ध्यान मत देना। सो डेवलपर का नाम था फ्रेंच बोर। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग भी। तो फ्रेंच बोन, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर थे वो तो सोलोमन हाइक्स। तो ये तो कंपनी की बात हो गई, और दूसरा कंपनी कैसी थी, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सिंपल। और बेसिकली ये दो चीजें जो इसका मेन प्रोडक्ट थे वो दो थे, तो था डॉकर डेस्कटॉप ठीक है, दूसरा था डॉकर हब। ये अभी अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अभी के लिए बता दूं कि अर्लियर डेज में पहले इसका नाम था डॉट क्लाउड। ठीक है, डॉट क्लाउड था इस कंपनी का नाम, ये डॉकर नाम बाद में पड़ा। ठीक है, देन इसके बाद 2013 में इसका नाम चेंज होके डॉकर हुआ था। ठीक है, और ये नाम इन्होंने एक ब्रिटिश वर्ड है उससे लिया था, डॉक वर्कर, डॉक वर्कर। डॉक वर्कर वो होते हैं जो कि लोड और अनलोड करते हैं कार्गोस को शिप में से। ठीक है, तो वहां से ये नाम डिराइव हुआ है डॉकर, सिंपल। ये तो बात हो गई कंपनी की, अब बात करते हैं कि डॉकर एज ए टेक्नोलॉजी, डॉकर एज ए टेक्नोलॉजी। तो मैं एक रफली डायग्राम बता रहा हूं, इसमें तीन चीजें डिस्कस करेंगे हम, काफी सिंपल सी है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। पहला है रन टाइम, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है डीमन, जिसको हम इंजन भी बोलते हैं, एंड द लास्ट इज ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, तो मैं एक पैरेलली डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं हायरार्की क्या होगी इनकी। सो एक चार्ट की फॉर्म में बता रहा हूं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो टॉप लेवल है वो है ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, इसके अंदर एक कंपोनेंट है, ये मैं अभी बताऊंगा क्या है, इसको धीरे धीरे फील करेंगे हम जैसे बताते जाएंगे। देन इसके बाद है इंजन, जिसको हम डीमन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसको भी हम बारी बारी फील करेंगे। एंड द लास्ट इज रन टाइम।
इसको एक बार इरेज करते हैं, ये कुछ अजीब सा बन गया है। तो ये क्या है हमारा रन टाइम, ठीक है। इसके टू पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा वो बॉटम टू टॉप करूंगा, बॉटम टू टॉप। तो इसमें दो पार्ट है, एक तो कंटेनर डी, कंटेनर डी, और ये है रन सी। और रिमेम्बर यहां पे पहला लेटर स्मॉल है, ठीक है। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर रहा हूं और हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला कंपोनेंट क्या है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देन मैं पहले इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रन सी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लो लेवल पे वर्क करता है, लो लेवल पे, ठीक है, सिंपल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप द कंटेनर, ठीक है। स्टार्ट करना और स्टॉप करना कंटेनर को। दूसरा इसका क्या की फीचर है कि प्रेजेंट इन एवरी कंटेनर, ये हर एक जो भी कंटेनर क्रिएट होगा उसमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, कंटेनर डी। इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको ग्रीन पेन से देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूं इस चीज को डिस्कस, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला लेटर स्मॉल है, सो कंटेनर डी हो गया ये, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो कंटेनर डी का मेन फंक्शन क्या है कि ये पहले तो मैनेज करता है, ठीक है, क्या मैनेज करता है देखते भाई। सो मैनेज एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो जो भी लाइफ साइकिल होती है ना कंटेनर की, क्रिएशन से लेके डिलीशन तक, तो वो सारी चीज कौन मैनेज करता है, कंटेनर डी। हो गया भाई, जरा क्लियर है। इसके बाद क्या है कि ये एक चीज और देखता है, इंक्लूडिंग पुलिंग इमेजेस, कि जो भी हम इमेज पुल करते हैं कंटेनर बनाने के लिए, उस चीज को भी कौन देखता है, कंटेनर डी। ये अभी इमेजेस मैंने डिस्कस नहीं किया है, अपकमिंग लेक्चर में मैं बताऊंगा इमेजेस क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए समझ लो, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इमेज एक बंडल है जिसके अंदर डिपेंडेंसी फाइल्स और कोड फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स प्रेजेंट होती है, एक तरीके से बंडल है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, नेटवर्क इंटरफेस को क्रिएट करना, ये भी लिख देता हूं मैं, क्रिएटिंग नेटवर्क इंटरफेस, मतलब जो कनेक्टिविटी है ना वो भी यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये हमारा रन टाइम वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। वापिस से अपनी ब्लैक नोटेशन ले लेते हैं। अभी बात करते हैं डॉकर इंजन, ठीक है। डॉकर इंजन क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं डीप में, ठीक है। सो डॉकर इंजन है, इसको डॉकर डी भी बोलते हैं क्योंकि डॉकर डीमन, ओके, डॉकर डीमन। मैं एक बार लिख देता हूं इसको ताकि तुम्हें क्लियर रहे। तो भाई ये हमारा हो गया डॉकर डी,
इसको क्या बोलेंगे, डॉकर डीमन और डॉकर इंजन। अब इसका की फीचर देख लेते क्या है। तो पहली बात ये है ना, कनेक्शन बिल्डअप करता है, प्रोवाइड कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नेक्स्ट थिंग होगी हमारी कंटेनर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, डॉकर डी और क्या करता है, एक्सपोज करता है रिमोट एपीआई। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हम डॉकर यूज करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं, तो आपस में एपीआई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, तो ये उन एपीआई को एक्सपोज करता है, ठीक है। दूसरा और का काम करता है, मैनेज इमेजेस, इमेजेस को लिस्टिंग करना या कौन सी इमेज प्रेजेंट है, कौन सी डिलीट हो गई, ये चीजें देखना, ठीक है। और क्या है, मैनेज वॉल्यूम्स, मतलब जो भी इसकी स्टोरेज है उसको भी मैनेज यही करता है कंटेनर्स की, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैनेज नेटवर्क्स, जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक्सपोज करता है एपीआई, तो नेटवर्किंग भी यही मैनेज करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं डॉकर डी के, डॉकर डीमन के, डॉकर इंजन के, ठीक है। अब मैं फाइनली आ रहा हूं, ये बॉक्स में क्या भरेंगे, तो ये जो भी मैंने ब्लैक एरो से डिनोट करे ना, ये ऐसे बॉक्स में आ गए। जे जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट एंड ये फिफ्थ पॉइंट, तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गया, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा ये देखेंगे फर्स्ट और किस स्टेटर टॉप लेवल की लेयर है, इसको डिस्कस करना रह गया, तो इसको अभी ये करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रब करते हैं लेफ्ट हैंड पोर्शन को। इस केस में मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, तो इस केस में हम ये ले लेते हैं, ठीक है, मार्कर कलर। तो ये ऑर्केस्ट्रेटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर डॉकर जो प्रोवाइड करता है, उसका डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट कौन सा है, डॉकर स्वॉर्म, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर बेसिकली होता है कि कैसे डॉकर के कंटेनर को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेटर का रोल ये होता है, ठीक है। अब जो डॉकर स्वॉर्म की बात करूं, तो डॉकर स्वॉर्म क्या है, जो क्लस्टर होता है ना कंटेनर का, जैसे ये मेरा कंटेनर वन है, ठीक है, ये मेरा कंटेनर टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये आपस में एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो जो ये क्लस्टर बन गया ना, ये क्लस्टर बन गया, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर करता हूँ मैं, ये थोड़ा सा वैसे बेकार सा बन गया, इसका लेंथ थोड़ी कम करता हूँ, विड्थ, ठीक है, अब ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कंटेनर वन है, ठीक है, ये कंटेनर टू है, ये कंटेनर थ्री है, ऐसे करके बहुत सारे कंटेनर हो सकते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय यूजिंग एपीआई, ठीक है। तो इन सब का जो ग्रुप होगा, ठीक है, उस ग्रुप को बोलेंगे क्लस्टर, और जो ऐसे जो क्लस्टर होते हैं ना, उसको बोला जाता है स्वॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेटर का काम होता है इस क्लस्टर को मैनेज करना, इसके अंदर जो कंटेनर है उनको मैनेज करना, ठीक है।
तो ये हमारी टॉप लेयर है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में इसका अल्टरनेट ऑप्शन है क्यूबरनिटीज, तो हम अपकमिंग लेक्चर में इसको देखेंगे दोनों को ही, लेकिन मेरा मेजर फोकस बाद में क्यूबरनिटीज वाले में इस पे रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एक तरीके से स्टैंडर्ड बन गया है। कुछ इंडस्ट्री अब भी स्वॉर्म को यूज करती हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर क्यूबरनिटीज है एज कंपेयर टू स्वॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए, डॉकर के बारे में डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे, डेमो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, टू स्टे हेयर एंड बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।